महंगे रिचार्ज से परेशान लोगों के हाथ अभी निराशा ही लग सकती है और इसकी वजह है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL की 4G सर्विस शुरू होने में देरी। जुलाई में टैरिफ हाइक होने के बाद से कई लोगों ने अपना नंबर BSNL में पोर्ट करा लिया। पिछले कई समय से ये बातें चल रही थी कि BSNL पहले 4G इसके बाद फिर 5G सर्विस लेकर आएगी। बहुत सारी खबरें आई लेकिन हर बार तारीख पर तारीख मिलती रही और ये तारीख जो है वो बढ़ती ही जा रही है। देश भर में BSNL की 4G सर्विस रोल आउट होने में और कितनी देरी हो सकती है, जितनी देरी होगी इसका मतलब यह है कि आप जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे टेलीकॉम कंपनियों के सर्विसेज यूज करने के लिए विवश होंगे। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि BSNL का मामला आखिर फंसा हुआ क्यों है। BSNL लगभग पिछले 2 साल से अपना 4G नेटवर्क शुरू करने की कोशिश कर रही है लेकिन इसमें देरी होती चली जा रही है। जुलाई में BSNL के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से छपी खबर के मुताबिक BSNL करीब 12,000 4G टावर लगा चुकी है। कंपनी का लक्ष्य साल 2024 के आखिर तक 4G सर्विसेज को अधिकांश हिस्सों में लॉन्च करना है। हालांकि ये डेडलाइन भी आखिरकार मिस होती नजर आ रही है। दरअसल दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ दिन पहले ही अपने एक इंटरव्यू में बताया कि BSNL की 4G सर्विस 2025 के मध्य तक पूरे भारत में लॉन्च हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि तब तक कंपनी करीब 1,12,000 टावर लगा लेगी। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में BSNL 24,000 टावर लगा चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक BSNL की योजना अक्टूबर तक 80,000 टावर लगाने की है जबकि बाकी बचे 21,000 टावर अगले साल मार्च तक लगने हैं। BSNL की तरफ से 4G सर्विस शुरू करने की इंटरनेट डेडलाइन मार्च 2025 थी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हालिया टिप्पणी के मुताबिक BSNL की 4G सर्विस देश के अधिकांश हिस्सों में लॉन्च होने में अभी भी 9 से 10 महीने लगेंगे यानी कि मार्च 2025 की डेडलाइन से 3-4 महीने और देरी। कुछ ही दिन पहले दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने BSNL की 4G सर्विसेज के लॉन्च में देरी होने का कारण भी बताया था। उन्होंने कहा था कि कई लोग उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 4G नेटवर्क शुरू किया तो BSNL पीछे क्यों रह गई। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प था कि सरकारी कंपनी का नेटवर्क विकसित करने के लिए चीन या अन्य देशों के उपकरणों का इस्तेमाल करने की बजाय स्वदेशी तकनीक विकसित की जाए। मई 2023 में हाल ही में BSNL ने टाटा के साथ 15,000 करोड़ रुपए की डील की है। इसका लक्ष्य देश में 1,12,000 टावर स्थापित करना और देश के 4 हिस्सों में डेटा सेंटर स्थापित करना है। 4G सर्विस शुरू होने में देरी का असर BSNL के 5G सर्विस पर भी पड़ रहा है। दरअसल BSNL की 5G सर्विसेज के लिए 4G टावर्स में बस कुछ सॉफ्टवेयर बदलाव करने होंगे फिर BSNL की 5G सर्विस शुरू की जाएगी। इस पर अभी काम चल भी रहा है। बहरहाल आप BSNL की 4G सर्विसेज और 5G सर्विसेज के लॉन्च में देरी को लेकर क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।